यूपी में विधानसभा की 10 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है। निषाद पार्टी 2 सीट मांग रही है, जबकि बीजेपी 9 सीट पर लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ना चाहती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव होना है और अब बीजेपी 9 सीट पर लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ना चाहती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। और मझवा में चुनाव लड़ेंगे, अपने चुनाव निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी पहले भी लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देख लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ेगी वहां हम लोग देंगे और जहां निषाद पार्टी लड़ेगी वहां कहां लड़ेंगे आप कहां निश्चित रूप से अभी निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। अभी ऐसा कुछ अभी बैठक होने वाली है, अब दिल्ली जा रहा हूँ और मिलूँगा उन लोगों से और इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी। भाई हमारे पास भी प्रत्याशी, उनके पास भी है, जो जिताऊ हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करें। सपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं 2 सीट, कटहरी और मझवा। नहीं, हम लोग 100 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपने से लड़ रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।